नमस्कार, साहित्य तज्ञ बुक कैफे के नई किताबें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको उन पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देना है जो बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में हमें प्राप्त होती हैं। कई बार ये पुस्तकें प्रकाशक विशेष द्वारा प्राप्त होती हैं, कई बार ये पुस्तकें हमें पाठकों द्वारा और लेखकों द्वारा भी प्राप्त होती हैं। ये पुस्तकें या इनकी सूचना, इनकी जानकारी से आप वंचित न रहें, इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज मैं अद्विक पब्लिकेशन से प्राप्त पुस्तकों की सूचना दूंगा। अद्विक प्रकाशन ने जो पुस्तकें हमारे पास भेजी हैं उनमें तुम और मैं, नया वाला इश्क, ये सुमन वाजपेयी की पुस्तक है। इसके अतिरिक्त एक व्यंग संग्रह सच बोलना पाप है, पंकज प्रसून का यह व्यंग संग्रह है, यह हमें मालूम प्राप्त हुआ है। एक व्यंग संग्रह और फटी जींस का चिंतन, डॉक्टर के अस्थाना का यह व्यंग संग्रह है, यह हमें प्राप्त हुआ है। धूप के फूल, रमेश कुमार रिपु की आधुनिक गजलें, ये हमें प्राप्त हुई हैं। एक और व्यंग संग्रह हमें मिला है जिसका नाम है मूल्यों की मम्मी, सुरेश कांत इसके रचनाकार हैं, व्यंगकार हैं। तीन नाटकों का एक संग्रह हमें प्राप्त हुआ है जिसका नाम है नरकवासी मेरा बाप, ये जवाहर चौधरी इसके रचनाकार हैं। और आखिरी जो पुस्तक अद्विक पब्लिकेशन से हमें प्राप्त हुई है उसका नाम है खुले किवाड़ी बाल मन की। ये खुले किवाड़ी बाल मन की ये परवरिश के पहलुओं पर जो आलेख संग्रह है डॉक्टर मोनिका शर्मा का, यह हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह से ये कुल 7 पुस्तकें जो है अद्वित पब्लिकेशन ने हमें भेजी है। हो सकता है आने वाले समय में इनमें से कुछ पुस्तकों की चर्चा आप साहित्य तक के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में सुने। इस कार्यक्रम को हर शनिवार और रविवार को ठीक इसी समय लेकर मैं उपस्थित होता हूँ ताकि सारी पुस्तकों की जानकारी दे सकूं। सोमवार से शनिवार तक बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं हर दिन शाम को 4 बजे आपके पास किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ उपस्थित होता हूं। शुक्रवार को कविता संग्रह की बात करता हूं, शनिवार को अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूं, रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर या उनकी किसी चर्चित कृति पर बातें मुलाकातें और शब्दरथी कार्यक्रम में बात करता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, हमारी नई किताबी कार्यक्रम को सुनते रहें और पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।